हेलो हाय गाइस, गाइस, अभी हम आए हैं यहाँ पे छोटी माझी के घर क्या करने के वो भी लिए? शावर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कल भी पानी नहीं आया था और आज आया था। मॉर्निंग जब आया तो लाइट चली गई, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे शावर लेने के लिए। बट हम लोग के दिमाग में खुरापात थोड़ा सा सूझा है। क्या सूझा है? हम लोग सोचे जब हीरो ने हम लोग के साथ प्रैंक किया था, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ प्रैंक करें। आज पता है स्पेशली सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई भी हैं घर पे, भाभी तो रहती हैं। भाई का रिएक्शन देखना है, हीरो का देखना है और भाभी का भी। ये है वाइट कलर की हैंकी। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने सर पे ऐसे इसको यहाँ पर है ये देखिए ऐसे क्या करेंगे, इसको बांध लेंगे। और बांधने के बाद अब क्या करेंगे कोमल, इस पे रेड कलर का तिलक लगा लेंगे ताकि ऐसे लगे ब्लडिंग हो रही है। अब जाएंगे और बोलेंगे कि जा रही है, कि बोलेगी बुआ जी जा रही थी और अचानक जैसे माँ जी के वो आया गेट पे ही पैर, माँ जी के गेट पे ही बुआ जी का पैर लगा। नहीं, गोद हाँ में से पानी निकालते समय हाँ पानी निकालते टाइम, मतलब इसमें ये बहुत बड़ी टैंक है, इसके अंदर बहुत अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पे टैंक है तो उसमें से पानी निकालते टाइम मैं पैर फिसला और मैं गिर गई, मेरे को चोट लग गई। और हमारे चंपू फेस को इग्नोर करना, ऑयलिंग कर रखी बहुत। हमने और नहाने आए हम थे। यहाँ पे शावर लेने आए थे, हेयर वॉश करना था हम लोग को, कपड़े वपड़े सब लेकर के आए थे, लेकिन अब क्या करने जाने हैं जान, हम लोग के दिमाग में सोचा हम लोग साथ प्रैंक हुआ तो हम लोग को भी बदला ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी तो फिर कैसे होगा, इसमें कोमल हमारी नहीं हो पाएगी साथ में, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोग का फेस चंपू है, हमारा हेयर भी, तो इसको इग्नोर करिए और चलते हैं प्रैंक की ओर, बढ़ते हैं फटाफट से, इस पर कलर लगाओ कोमल। ये देखिए गाइस, कोमल आ रही है, हमारी छोटी माजी यहीं पर हम लोग आए हैं। माजी चुप रही थी, माजी चुप रही, यहीं पर हम लोग आए हैं शावर लेने के लिए, माजी भाग रही है। ये कोमल देखिए क्या कर रही है, ये देखिए कोमल तिलक किस का पे लगाना, साफ पता लग एक जाएगा। साइड अच्छे से करना ना, अरे क्या बना रही है ये तो कलर डाल के तब बांधे क्या? हो गया बस इतना ही बहुत है। नहीं, अच्छे से दिखना चाहिए। हाँ बस ये ठीक है, अरे वो तो बाल पे आ गया, इधर भी करना वो तो थोड़ा। दोनों का सिर फूट गया भाई। हाँ कोई उस जगह ज्यादा लग गई है ना, हाँ कोई इधर भी, इधर भी, इधर भी। मैं वो बोल ले, ओहो राम जी का दिल लाख हो गए। वही मैं कह रही हूँ हैंकिंग सही है। तो आप देख रहे हैं गाइस जैसे कि ये लग गया है, अब अभी कोमल के हैंड में लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं फटाफट से ये वॉश कर ले, नहीं तो फिर पता चलेगा। अभी वॉश कर ले फिर हम लोग निकलते हैं। तो देखिए गाइस जैसे कि हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से बताने के लिए, और हम यहाँ पे इसको ऐसे ओढ़ लेते, नहीं तो कोई कहेगा कि पागल हैं क्या, चोट उट लगा के है ना, रास्ते में सबको नहीं बताना है। और मैं थोड़ा सा, और तुम भी मत हंसना कोमल, एकदम सीरियस रहना है ठीक है। कुंडी ऊपर से लगा दूँ, हंसना मत ठीक है। बाकी मैं तो सीरियस रह लूँगी। तो चल गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 कदम की दूरी पे है बस, हम लोग पहुँचेंगे और कोमल रिएक्शन दिखाएगी। तो अब कोमल रिएक्शन दिखाएगी तो हम अब कैमरा ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, उसको आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि बैक कैमरे से ही कोमल अब दिखाएगी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वीडियो ऑन कर देना, ऑन है वीडियो, बढ़िया कोपर बन जाएंगे बारे में मेरे पकड़ो ना। होद में से पानी निकालते समय गिर गई, भूत नहीं क्या तरह लगी कैसे हो गया, होद में से पानी निकाल रही थी गिर गई। होद में होद में नहीं गिरी, होद में पैर लग गया। जगह पर कितना फुट हो दिखाइयो, देखिया मैं को डर गई, अगर तो पकड़ के लाइए
फिर मैंने देख तो लिया नहीं, मैं तो बड़ी चुप रही हूँ। मैंने जब भी देख लिया तुरंत हाथ लगाया, मैंने कलर के साथ प्रैंक किए थे ना, इसीलिए हमने सबको डराया। ये बोल रहे थे जहाँ पे सब प्रैंक करेंगे नायर। मैं चीजों की तरह वहाँ कुमारी जब भी नहीं आता मुझे ना कभी ना आप धन्यवाद दोनों करें ना जो वहाँ मम्मी ने पोपट कर दिया। अभी सारा क्यों करी भाई को? अरे वो डर गए थे। अरे डर नहीं देना चाहिए था थोड़ा। भाई बताइए, आप बताइए, आपको कैसा लगा था मुझे देख के? ढक ढक एक हमारी बहन है फूल जड़ी और उसका सिर फूट गया तो हमारा दिल टूट गया। लेकिन आपको कैसे तुरंत पता चल गया? किसने बताया था आपको? है? आपको तुम्हारी भाभी ने भाभी ने सारा करके बता दिया सारा प्लान। अगर नहीं बताई होती अब तक ये लोग बहुत परेशान थे। बहुत परेशान गया डॉक्टर के, अभी ये ले जाने वाला था मैं उठा के। रवि भैया को लाना पड़ता। नहीं तेरे को उठा के ले जाना पड़ता। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्या लग रहा था? तुम भाग के आए थे, लैपटॉप पे काम कर रहे थे, छोड़ के आए थे। शरीर जिंदा था, जान निकल गई। इससे आगे कुछ नहीं। तुम्हें भाई मुझे बोले ही सारा कि तुम समझ गए थे। भाभी बोल रही थी लेकिन मैं सोचा भाभी पता नहीं क्या बोल रही है। वास्तव की बात है जीजू, मैं भी ये सोच रहा पर वास्तव में सिर फूटा हुआ है और रुमाल में से भी खून निकल रहा है। हमने पता है माजी के यहाँ से पूरी वीडियो है स्टार्टिंग से बनाया हुआ है, ये करते प्रैंक और स्पेशली कोमल का। अरे तो फूफा जी ने हम लोग साथ प्रैंक किया था उनको करते मम्मी पापा को, क्यों हम कहें कि भाई का एक्सप्रेशन भी देखना, भाई देखना कितने परेशान हो जाएंगे। मैंने ये वर्ड बोला था कोमल को उस टाइम पर ही। और माजी से तिलक लिया, उसी को पानी में डाल के अपनी फट्टी भी लगाया। माजी हंस रही थी, हाँ मैं मजे ले रही थी। माजी भी बड़े मजे थे। यही है वो भाभी जिन्होंने प्रैंक में सबसे, लेकिन थप्पड़ भी तो खाया फिर तूने। लेकिन भाभी जब देखी तो आई है आप वीडियो में, पता है चक्कर आ गए थे बहुत ज्यादा। पता है भाभी पार्टी वही थी, वही छोड़ दी मैंने, मगर ये क्या करके आ गई दोनों। भाभी ऐसे बैठी थी, अच्छा क्या हो गया, फिर जैसे ली हैंकी हटाई है तेरे की। मैंने भाभी के सारे साथ चुप रही, फिर भी आ गया। चुप रही हो भाभी, चुप रही हो। वो तो कूलर चल रहा था तो ये लोग सुन भी नहीं पाए ना, और वो भी उस पे अंदर आ करके उनकी गाड़ी में आग मारी। मैं कर रही हूं। ये कहते ना भाभी बोल रही थी सारे से, लेकिन मैं नहीं समझा, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने ऐसे हाथ हिला दिए थे, मैं कुछ नहीं, मैं हंस रही थी, मैं हंस रही थी, मैं कुछ नहीं है। अरे मैं नेहा को पकड़ा, मैं इतने बोलने लगा है ना, इतने बड़े का नहीं इशारा कर दिया कुछ, वो ठीक है। मैंने सोचे नहीं थे कि मेरे साथ मजाक कर रही है। ये हमारे साथ प्रैंक किए थे, कोई बात नहीं, पता चल गया ना हमने। अब आगे जब बता देंगे प्रैंक क्या होता है। लेकिन भाभी नहीं बताई, थोड़ा सा लंबा चलता। भाभी को बारिश छोड़ के आना चाहिए था। मैंने तो बिखार के लाई थी अपने बाल, उछल कूद करती है फिर ये। जब ये सर झुका कैसे बैठ गई तो मैंने कहा नहीं यार जहाँ तक लग गई बेटे को, लग रहा है गड़बड़ा ये मामला। कोमल भी थोड़ा रिएक्ट भी नहीं कर रही। वो मैं बोली थी, मैं बोली थी वो फोन लेकर दूर खड़ी थी एकदम पास। मैं बोली थी ऐसे फोन कपड़े के साथ। ऐसे होती प्रैंक वीडियो देखना, अब जब तुम्हारी तरह ही है ठुसू वाली नहीं। कोई बात नहीं गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी हम लोगों ने कितना कैसे इन लोगों को डराया। हमारी भाभी तो एक बार बहुत अचानक से डर गई थी जब आप देखे थे, जैसे कोमल एंट्री हम लोग करे, भाभी अरे क्या हो गया, मुझे पकड़ ली थी तुम, वो रिकॉर्ड हुआ था, मुझे एकदम से पकड़ ली थी भाभी अरे क्या हो गया। लेकिन जब जैसी भाभी मेरी हैंकी हटाई तो कहती पागल हो, हम इशारा करें भाभी को, क्योंकि कूलर चल रहा था तो अंदर आवाज़ नहीं गई, इशारा करें भाभी चुप रही है।
अंदर के भाई भी तुरंत ये भी परेशान हो दूर के आगे, लेकिन भाभी ने पोपट कर दिया, इशारे से बोल दिया, चुप चुप बता दिया इशारे से कि कोई दिक्कत नहीं, चोट वोट नहीं लगी इसलिए। अदरवाइज हम लोग का प्रैंक बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल वाला प्रैंक था, आप लोग देख रहे थे और बहुत मजा आया। वो मैं लगी हुई है अपनी एंकी को वॉश करने में, क्योंकि जैसी जिसमें नाक नहीं आया, कलर लगा हुआ है, चलिए ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग को ऐसी प्रैंक वीडियो और भी चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग साथ हम ऐसी ही और प्रैंक वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।